हेलो एंड वेलकम बैक टू रेडी स्टडी गो बाय धैर्य बंसल। हमने अभी अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर चारों पार्ट्स बना के उस टॉपिक को ख़त्म कर दिया है। किसी को किसी भी तरह का इशू होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के टॉपिक में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है उसका नाम है परसेंटेज। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखी है, बट हम उसको नेग्लेक्ट करके आज इसको एक नए तरीके से समझेंगे। इसको पढ़ाने का जो एक मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि मेरे को जो अगला टॉपिक लेना स्टार्ट करना है वो है प्रॉफिट लॉस, ठीक है। और प्रॉफिट लॉस में हम लोगों को बेसिक परसेंटेज का आइडिया चाहिए क्योंकि उसके बिना हम लोग आगे परस्यू नहीं कर पाएंगे अगर हमको परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब हम पहली बात करते हैं कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, इसको अगर मैं दो वर्ड्स में तोड़ दूँ, पर सेंट, जिसमें पर का मतलब होता है एवरी, है ना, और सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। जैसे हमारी स्पीड होती है 20 किलोमीटर पर आर, मतलब हर एक घंटे में हमारी स्पीड क्या थी, हर एक घंटे में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं। सिमिलरली हर एक 100 के हिसाब से, हर कोई भी वैल्यू अगर मैंने आपको दी है और उसके हिसाब से 100 में से वो कितनी बैठेगी, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, परसेंटेज बोलता हूँ, ठीक है। दैट इज वॉट कि परसेंटेज इज बेसिकली वैल्यू ऑफ समथिंग एज पर 100 के रिस्पेक्ट में उस चीज़ की वैल्यू कितनी होगी, उसको हम परसेंट बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज बोलते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने बोला कि किसी भी मतलब हम लोग सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल्स है परसेंटेज वाले केस का, जैसे हम एग्जाम्स में निकालते हैं अपनी परसेंटेज, तो उस केस में अगर हम सोचेंगे जैसे 60 आउट ऑफ 150 किसी बच्चे के नंबर आए हैं, हम सोच रहे हैं कि भाई उसको परसेंटेज में निकालना है कि उसकी कितनी परसेंट आई है, ठीक है, मतलब उसको ये निकालना है कि 100 में से उसकी कितनी परसेंट आई है, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक अपने यूनिटरी मेथड से समझूं एक के हिसाब से निकालने के लिए, तो हम उसको कैसे समझेंगे, हमको पता है 150 में से उसके 60 नंबर्स आए हैं, ठीक है, तो एक में से उसके आएंगे 60 अपॉन 150, ठीक है। यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, वही करा है, ठीक है। तो 100 के हिसाब से उसके कितने नंबर्स आएंगे, 60 अपॉन 150 मल्टीप्लाई बाय 100, जिसको अगर मैं कट करके निकालूंगा तो आंसर मेरा 40 आ जाएगा, बट जो कि सही भी है। पर यहाँ पर हमें समझने वाली बात क्या है, हमको ये हमने करा है जस्ट फॉर अपनी अंडरस्टैंडिंग, ताकि मैं जो तुम लोगों को फॉर्मूला या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा इस चीज़ की, वहाँ पर हमने इस तरीके से यूज़ करा है, तब हमारे पास वो सेकंड प्रोस्पेक्टिव आया है। हमने यूनिटरी मेथड अप्लाई करा तो हमारे पास ये आया है। और अगर हमको डायरेक्ट किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो हमको क्या रखनी है, जिस चीज़ की परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर रखना है, जिसमें से निकालनी है उसको नीचे रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ये बात नोट डाउन करने वाली है, क्या दिस इम्प्लाइज कि अगर हमको अप्लाई करनी है परसेंटेज, यानी परसेंटेज लगानी है किसी भी चीज़ की, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पर अगर हमको परसेंटेज हटानी है, रिमूव, अगर हमको परसेंटेज रिमूव करनी है तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे उल्टा सोचें, अगर हम इसी क्वेश्चन को जस्ट उल्टे प्रोस्पेक्टिव से समझें तो कैसे समझेंगे, हम क्या सोच सकते हैं कि 60 नहीं, उसके मान लो 40% मार्क्स आए हैं, क्या 40% मार्क्स आए हैं 150 में से, कितना आए 40% मार्क्स। तो 40% का मतलब क्या है कि 100 में से उसके कितने बैठते हैं, 40 बैठते हैं, तो एक में से कितना बैठेगा, 40 अपॉन 100 बैठेगा। सिमिलरली 150 में से कितना बैठेगा, 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 150। और अगर आप तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमारा मतलब जो 100 है वो नीचे आ गया है, जो कि मैंने तुम लोगों को अभी बताया कि जब भी हमको परसेंटेज रिमूव करनी है, यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो परसेंटेज रिमूव्ड वाला आएगा, जो कि 60 आया है। हमको पता ही आना था जब हमने इसी क्वेश्चन को रेसिप्रोकेट करके सॉल्व किया है। तो यहाँ पर अगर हमको परसेंटेज रिमूव करनी थी तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है परसेंटेज के बारे में, कि जब भी परसेंटेज लगानी होगी तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटानी होगी तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। ये हमारा बेसिक फॉर्म है कि हम कैसे वो परसेंटेज को, जो हमने फॉर्म भी लगाई है कि हम रखेंगे जो वैल्यू दे रखी है वो ऊपर, ओरिजिनल वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो किसी भी चीज़ की परसेंटेज अगर हमको निकालनी है तो कैसे निकलेगी, उस चीज़ की वैल्यू ऊपर अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला हो गया कि क्या करना है, वैल्यू ऊपर टोटल नीचे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। ये जैसे कि यहाँ पर वैल्यू मेरी क्या थी, 60 थी, 150 टोटल थी, परसेंटेज निकाल दिया। इसी चीज़ को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, यानी कि जो चीज़ डिवाइड में उसे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे वगैरह वगैरह काम करके हम इजीली क्वेश्चन को अपना चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है सच है नहीं, ठीक है। ये तो हमारी बात हो गई सिंपल परसेंटेज के बारे में। इसके अलावा और एक जो छोटा सा टॉपिक आता है वो आता है इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू वाली परसेंटेज के केस में, कि अगर मेरे को कभी वैल्यू घटाई या बढ़ाई और फिर वो हमसे पूछ रहा है कि भाई परसेंटेज में क्या डिफरेंस आएगा, फिर परसेंटेज हमारी क्या बैठेगी, उसके रिस्पेक्ट से अगर हम क्वेश्चन करें या फिर उसका फॉर्म समझें तो देखो वो क्या होता है। जस्ट इन केस हम ऐसे समझें कि कोई चीज़ 60 की थी, अब वो चीज़ बढ़ के 80 की हो गई है, या फिर किसी बच्चे के 60 नंबर आ रहे थे अब वो नंबर 80 आ रहे हैं, तो कितनी परसेंटेज का डिफरेंस आ गया,
ठीक है, हम आउट ऑफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल जनरल परस्पेक्टिव सोच रहे हैं कि कोई चीज़ अगर 60 थी वो चीज़ बढ़कर अब 80 हो गई है तो परसेंटेज में क्या डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर हमको वही करना है, हमको पता है हम परसेंटेज लगानी है तो हमको पता है कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, ये बात हमको पता है। अगर हमको परसेंटेज लगानी है, अभी हमने समझी है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमको ये देखना है कि कोई वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है या कितनी डिक्रीज हुई है। अब उस चीज़ से भी कन्फ्यूजन ना हो तो हम सिंपल इंक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज कैसे निकालेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास एक सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला है, अगर हमको इंक्रीज या डिक्रीज केस में परसेंटेज निकालने को वो बोलता है। इसी का यूज़ अभी हम आगे चलकर जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा जिसमें मैं प्रॉफिट लॉस के बारे में बताऊँगा वहाँ पर हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसीलिए ही मैंने आज का ये परसेंटेज का छोटा सा क्लास बनाया भी है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, अब हम इसको यहाँ से समझते हैं। हमको पता है इनिशियल वैल्यू कितनी थी, ये थी मेरी इनिशियल वैल्यू, आई वी का मतलब क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ये थी मेरी फाइनल वैल्यू, यानी कि जो मेरी वैल्यू बाद में बनी ये मेरी क्या थी, फाइनल वैल्यू। अब मेरे को अगर परसेंटेज निकालनी है कि इससे यहाँ तक पहुँचने में कितनी परसेंटेज का डिफरेंस आया है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं करूँगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, जो कि मेरा अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 20 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो बेसिकली काइंड ऑफ 33.333% आएगा। खैर, हमको वहाँ तक नहीं जाना है, हमको सिर्फ बेसिक समझने वाली बात हमारे पास क्या है कि जब भी हमको परसेंटेज निकालने वाला केस करना है तो खासकर जब वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, क्योंकि मेजर जो क्वेश्चंस परसेंटेज पे बनते हैं वो यहीं से ही बनेंगे नॉर्मल बेसिस पे। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि अगर मान लो इनिशियल वैल्यू बड़ी हो, जैसे कि अगर उल्टा होता कि 80 से 20 पे आ रहा होता, सॉरी 60 पे आ रहा होता कोई वैल्यू, और फिर हमको बोलते हैं सेम पॉसिबिलिटी है, कोई डिफरेंस नहीं आना है, बस वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारा जो ऊपर आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, और माइनस कुछ वैसे शो नहीं करता है, माइनस सिर्फ इतनी सी बात शो कर रहा है कि हमारी जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हुई है ना कि बढ़ी है, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो डिक्रीज हुई है। यहाँ पर हमारा आंसर पॉजिटिव का आ रहा है, मतलब हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, फिर हमारी इनिशियल वैल्यू इतनी परसेंटेज से बढ़ी है। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर निकालूंगा तो यहाँ पर कोई फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, मैं मल्टीप्लाई मतलब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का 20 आएगा अपॉन 80 आएगा मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। ठीक है, इसको जब मैं कट करूंगा तो ये अप्रॉक्स आएगा आपका, एक मिनट रुको, ये आएगा हमारा 8 2 16 और 4 8 5 40। ठीक है, कट रहा है ना पूरा, हाँ, तो माइनस का 25%, ये माइनस कुछ शो नहीं कर रहा है, हमको माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस से भी इतनी सी बात शो कर रहा है कि हमारा आंसर ये माइनस का आया है, दैट मींस हमारी जो इनिशियल वैल्यू थी वो घटी है, आगे चलकर वो चीज घटी है। यही हम कॉन्सेप्ट अब उठा के एज इट इज लेके चले जाएंगे अपने सीपी और एसपी वाले क्वेश्चंस में, जिसमें मैं अब तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में वही टॉपिक उठाने वाला हूँ, प्रॉफिट लॉस, सीपी, एसपी, मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बेसिक नॉर्मल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत आता है, पूछने के केसेस में बहुत बार आता है, यही हमारी ऑल क्लासेस मतलब 6th 7th 8th 9th हर क्लास में ये एसपी सीपी वाला केस पड़ा होता है। तो उस चीज़ को क्लियर हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का ये परसेंटेज का टॉपिक थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, जो भी चीज़ में प्रॉब्लम आई हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाना, बाकी इस वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करना।